अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को नहीं अटैक कर रहा, वो इस देश के संविधान को अटैक कर रहा है। और आज देश और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर के कट्टर बेईमान आदमी हैं, कट्टर झूठे आदमी हैं, कट्टर दगेबाज आदमी हैं। अरविंद केजरीवाल कौन से ऐसे देश है जिनके सारे भी सब कुछ कर रहा है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। शराब घोटाला किया, ये बहुत गलत किया और इसकी सजा अरविंद केजरीवाल को होनी चाहिए। शांति भूषण जी ने इस व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, ये उनकी अंतुष्टि से लेकर के उनके शोक सभा तक नहीं गया। अरे संतोष कोहली के परिवार के साथ जो आपने धोखा दिया अरविंद केजरीवाल जी, वो धोखा कोई नहीं किसी को ना दे। वो आज भी अरविंद केजरीवाल अरविंद को नहीं कहते थे अरविंद इधरा, अरविंद इधरा, वो सामने खड़ा है। इसने उनको तक चीट किया, उसकी गाजियाबाद में रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में चूर हो गए और वो संतोष जैसे जिसने अपने त्याग तपस्या से इस पार्टी को खड़ा किया, उसको ही भूल गए। शांति भूषण जी, अन्ना हजारे जी, संतोष कोहली जी, कुमार विश्वास जी, किरण बेदी जी, और किस किस को नहीं ठगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। इन दिनों पॉलिटिकली कई सारी चीज़ों में बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत नई नई आयाम गढ़े गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। पूरी आम आदमी पार्टी खुश है, गदगद है। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता बेहद खुश हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी को जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला तो एक जनसभा बुलाई गई पूरे देश का आभार प्रकट करने के लिए। इसी उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, उस आभार व्यक्ति के दौरान कई लोगों को अरविंद केजरीवाल ने याद किया, कई लोगों को बताया भी उसी मंच से, देश के प्रधानमंत्री पर भी तमाम तरह की टिप्पणियां की, तमाम तरह की बातें कही। इसके उस दौरान, कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने संतोष कोहली से कई लोगों का जिक्र किया जो उनके साथ खड़े थे, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को यहां तक लेके आए। संतोष कोहली को अरविंद केजरीवाल ने शहीद घोषित किया। अभी कल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर कई सारी फब्तियां कसी, कई सारी टिप्पणियां की। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के जिलाध्यक्ष भाजपा विनोद बछेती जी हैं, और विनोद बछेती जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो बदलाव हुए हैं राजनीतिक, इससे क्या असर पड़ेगा भाजपा पर, या जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, क्या ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल आने वाले चुनाव के मद्देनजर है, क्या है तमाम मुद्दे, हम बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है। एक सवाल कि जब राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा हो गई चुनाव आयोग की तरफ से, आम आदमी पार्टी को ये तमगा मिला, संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संतोष कोहली जो शहीद हो गया, हम उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपको क्या लगता है कि संतोष कोहली के प्रति सच में आम आदमी पार्टी, सच में केजरीवाल बहुत दुखी हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए सबसे बड़े सुधाकर जी, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा हो गया जी, और दूसरा 10-12 साल के कार्यकाल में, इनके राजनीतिक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर देश की कोई बेईमान पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा घोटाले किए हों, जिसके विधायक बहुत सारे आपराधिक मामलों में जिनके ऊपर FIR हो, इनके पार्षदों के ऊपर दिल्ली में जो दंगे हुए, उनके मास्टरमाइंड तक का हाईकोर्ट ने उनको, लोअर कोर्ट हाईकोर्ट ने बताया, तो इस पार्टी में जिस तरह से जो 2011-12 में जो जनता का जो विश्वास था, जिस तरह से वो विश्वास इन्होंने जीता, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से वो विश्वास इन्होंने खोया है। और आज देश और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर के कट्टर बेईमान आदमी हैं, कट्टर झूठे आदमी हैं, कट्टर दगेबाज आदमी हैं। इन्होंने अन्ना हजारे, जिन्होंने अपना, सुधाकर जी, पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, उन तक को इन्होंने नहीं चला। आज अन्ना जी कहाँ हैं अरविंद केजरीवाल को नहीं पता। अन्ना जी के, मैं कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था किसी अखबार में, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो शराब घोटाला किया, ये बहुत गलत किया और इसकी सजा अरविंद केजरीवाल को होनी चाहिए। शांति भूषण, देश के पूर्व कानून मंत्री, देश के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता,
जिनके नाम से ये आंदोलन खड़ा हुआ, जिनके घर पे खड़ा हुआ आंदोलन, शांति भूषण जी के घर पे। और याद होगा आपको, हमने भी देखा था कि उन्होंने एक बार 1 करोड़ का डोनेशन, एक बार 1 करोड़ का, इस तरह से, और पूरा नाम दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। अभी कुछ टाइम पहले जब उनका उनकी डेथ हुई, तो अरविंद केजरीवाल देखिए कितना बड़ा स्वार्थी आदमी है, कितना बड़ा चालाक आदमी है। देखिए कहते हैं कि 3 चीज़ें, सुधाकर जी कहते हैं, किसी की घर में कन्या के विवाह हो बिना बुलाए कन्यादान देना चाहिए, कोई अस्पताल में बीमार हो बिना बुलाए हालचाल पूछेंगे, किसी की मृत्यु हो गई हो बिना बुलाए कंधा देना चाहिए, साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने, शांति भूषण जी ने इस व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया, ये उनकी अंतुष्टि से लेकर के उनके शोक सभा तक में नहीं गया। इतना बड़ा मक्कार आदमी है जिसने अन्ना जी, शांति भूषण जी, और जिस संतोष कोहली की आप बात कर रहे हो, जिस अरविंद केजरीवाल अपनी किताबों में और अपने भाषणों में कहता है कि मैंने तो नंद नगरी की झुग्गियों से आंदोलन शुरू किया, अरे संतोष कोहली के परिवार के साथ जो आपने धोखा दिया अरविंद केजरीवाल जी, वो धोखा कोई ने किसी को ना दे, उस बिचारी ने आपको अपना, देखिए संतोष कोहली इतनी इस आंदोलन को खड़ा करने वाली वो थी, वो आज भी अरविंद केजरीवाल को नहीं कहती थी अरविंद इधरा, उस आंदोलन खड़ा है, इसने उनको तक चीट किया, उसकी गाजियाबाद में रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसकी जाँच होनी चाहिए, उसके फ़ोन के रिकॉर्ड होने चाहिए कि आखिरी संतोष कोहली की मृत्यु से पहले, एक दिन दो दिन पहले उसके किस किस ने कॉल किया, क्या उसके था। अरविंद केजरीवाल के घर पे गए कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, जांच कराऊंगा, सीबीआई जांच कराऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में चूर हो गए, और वो संतोष जैसे जिसने अपने त्याग तपस्या से इस पार्टी को खड़ा किया, उसको ही भूल गए। आपने कहा कि सबसे कट्टर बेईमान, सबसे कट्टर दागी हैं, या आप तमाम भाजपा लगातार ये कहती है, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने विधानसभा के पटल से ये कहा, अरविंद केजरीवाल ने, कि इस देश में सबसे भ्रष्टाचारी अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अरविंद केजरीवाल कहता है कि जो शिक्षा की बात करते हैं, आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जिस तरह की भाषा आप मंचों से बोलते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप दिल्ली की विधानसभा, जो हमारे मतलब उस विधानसभा में करते हो, अरविंद केजरीवाल जी आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा। दूसरा, सुधाकर जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को नहीं अटैक कर रहा, वो इस देश के संविधान को अटैक कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल कौन से ऐसे देश है जिनके सारे भी सब कुछ कर रहा है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस देश का नागरिक किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का अनाप शनाप नहीं बोल सकता। कल भी एक विधानसभा में उन्होंने संबोधन किया, विधानसभा में जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और बड़े एक तरीके से, व्यंगात्मक तरीके से एक कहानी सुनाई कि चौथी पास एक राजा था और मैं गया, और जब मैंने बिजली माफ़ की तो बिजली कंपनी से उनकी सेटिंग थी, उसके बाद उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि ये फ्री कैसे कर रहा है, तमाम तरह की कहानियां सुनाई। आप इस कहानी पर और इस पूरे व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना केवल है कि एक मुख्यमंत्री को जो पढ़े लिखे होने के बाद भी गंवार है, एक विधानसभा के ऊपर एक गंवारों जैसी, एक आप एक कहानी सुनने के लिए आपने एक दिन का विधानसभा सत्र बुला लिया। सुधाकर जी मालूम है एक दिन का विधानसभा का सत्र का खर्चा कितना आता है? वो क्या अरविंद केजरीवाल जी देंगे? कौन देगा उसके खर्चे? और केवल आप उदाहरण भी कैसे दे रहे हैं? दिल्ली देश की जनता आपके बारे में क्या सोचती है? आपके इस भाषण से, आप इस कहानी से कौन लोग खुश हो रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पिछले 2011 के बाद इनकी एनजीओ को पैसा कहां कहां से आया, दुनिया के किस किस देश से आया, क्यों आया, कितने रकम आई, उसकी जांच होनी चाहिए। संतोष कोहली की जो हत्या हुई है, जो उसके एक्सीडेंट हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। इन्होंने देखिए, शांति भूषण जी, अन्ना हजारे जी, संतोष कोहली जी, कुमार विश्वास जी, किरण बेदी जी, और किस किस को नहीं ठगा, सबको। एक लगातार वो
अपने उससे भी कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो इस देश में जो सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल इस्तेमाल कर रहा था मनीष सिसोदिया, उसको जेल नहीं होती। ये चाहते हैं कि देश का हर बच्चा अनपढ़ रहे, देश का हर बच्चा स्कूल ना जाए। हम स्कूल को नया मॉडल दे रहे थे, इस दुश्मनी से उन्होंने उसको जेल भेजा। इस पर क्या कहें? ठीक है, 2014 में अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखें, इनका घोषणा पत्र देखें, इन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में हम 500 स्कूल खोलेंगे। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको जानकारी मिले। अभी RTI की रिपोर्ट में आई कि भाई इन्होंने कितने नए स्कूल बनाए, नई जमीन पर की बात करूँ, एक नया स्कूल नहीं बनाया। आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल बिल्कुल फेल हो, दुनिया का सबसे फेल अगर शिक्षा मॉडल है वो दिल्ली का है। दिल्ली में 1100 से करीब स्कूल है दिल्ली सरकार के, 750 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूलों में करीबन वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और दूसरा, स्कूलों के पास जो भी इनके देखे, स्कूल तो खुले नहीं, लेकिन जो स्कूल थे उनके पड़ोस में शराब की दुकानें खोल दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारा, किसी भी धार्मिक स्थान के आसपास 100 मीटर के दायरे में आपको शराब की दुकान नहीं। दिल्ली में जितने शराब की दुकान खुले हैं आप जाके देख लीजिए, सर्वे करिए ना, आपका चैनल तो इतना है उसके माध्यम से करिए, सारी दुकानें इन्होंने स्कूलों के नज़दीक खोल दी। क्या बच्चे के हाथ में शिक्षा देना चाहते हैं या बोतल का वो एक क्वार्टर पकड़ाना चाहते हैं बच्चों को? आज एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, दिल्ली की पहचान, पूरे दिल्ली NCR, पूरे देश, आसपास जो राज्यों में दिल्ली की पहचान हो गई, भाई ये तो बेवड़ों की राजधानी है, बेवड़ों का शहर है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, लाइनें लगी हुई है शराब की दुकानों पे। तो केवल झूठ बोल करके आप कांट की हांडी जो है ना बार बार नहीं चल सकती। आप झूठ बोलते हैं कि भाई स्कूल ये करेंगे, कहाँ शिक्षा मॉडल है? आज देखिए नया स्कूल नहीं बनाया। आज हर साल 1.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करता है। उस गरीब लोगों को पूछे जिन्होंने इनके विश्वास, इनके झूठे वादों पे विश्वास किया, इनको वोट डाला, आज वो लोग तंग हैं, वो परेशान हैं। आप जिस शराब की बात कर रहे हैं, इसी शराब के तहत शराब घोटाला भी केजरीवाल पर लगा और उसी शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया जेल में भी है। लेकिन कल जब पूछताछ हुई अरविंद केजरीवाल से तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तथाकथित झूठा शराब घोटाला है, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, सब कुछ झूठा है, भाजपा बस एजेंडा क्रिएट कर रही है। इन्होंने ये पॉलिसी वापस क्यों ली फिर? अगर वो झूठा था तो पॉलिसी क्यों वापस ली? अगर शराब पॉलिसी झूठी थी तो जहां एक दिन में, एक साल में 21 ड्राई डे होते थे सुधाकर जी, 21 की जगह 3 क्यों किए? जहां रात को 11 बजे तक किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब में शराब नहीं परोसी जाती थी, आपने उसको 3 बजे तक क्यों किया सवेरे के? जहां मतलब आप केवल जहां शराब के दुकानदारों को ठेकों के मतलब सरकार के माध्यम से 2% का कमीशन मिलता था, आपने वो 12% क्यों किया? आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री जब ये स्कीम लाए आप, तो ये किस राज्य के लिए आपके फंडिंग किस है? वो सारा जो शराब का घोटाला है वो सब लिखित में है सुधाकर जी, इनके जो सारे इनके मंत्रियों से लेकर के, इनके विधायकों से लेकर के, शराब कंपनियों से लेके, जो भी इस शराब घोटाले में लिप्त थे उनके बयान हैं। बयानों के आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि एक राज्य के जो होता है, जो मेन जो उसका जो एक ऑथराइज पर्सन होता है, जो मतलब जो जिसके आदेश पर पूरा प्रदेश चलता हुआ होता है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या इस शराब घोटाले से भाग नहीं सकते। सिग्नेचर चाहे उन्होंने मनीष सिसोदिया से कराए हों, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये जो सारा जो है उनकी उनके ध्यान उनके देख रेख में हुआ है। बहुत सारे अधिकारियों ने लिख के दिया कि जब शराब नीति लाने वाले थे तो एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल के घर पे शाम को मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को पास करी है। ये सब रिटर्न में है। अरविंद केजरीवाल जितना भी जनता का ध्यान भटका ले, जितना भी अनाप शराब कह दें, जितने भी देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दें, देश के प्रधानमंत्री वो बहुत बड़े व्यक्तित्व है। आज देश में जिस तरह देखिए आप, कश्मीर का जो मामला था 370 और 35 कभी कल्पना नहीं कर सकते खत्म हुए। आप राम मंदिर का 500 साल पुराना विवाद, मुस्लिम बहनें परेशान थी, 3 तलाक वाला विश्व विषय हो गया। आज नेशनल जितने हाईवेज बन रहे हैं, आप आज रैपिड रेल देखिए, आज पूरे देश में ट्रेनें देखिए, वंदे मातरम ट्रेन से लेके क्या चीज़ नहीं है, हॉस्पिटल से रहा है। दूसरा, सुधाकर जी कोरोना के काल में देखिए पूरे देश दुनिया में क्या हाहाकार मच गया था, वो तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सूझबूझ थी,
उन्होंने लोगों के हौसले को ख़त्म नहीं होने दिया, देश में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पिछले 2.5 साल से 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था हो रही है, वैक्सीन फ्री हो गई है, और ये कहता है कि पढ़े लिखे नहीं है। अरे तेरे जैसे पढ़े लिखे से तो लाख गुना अच्छे, मैं कहता हूँ कि हमारे गांव का वो किसान है, लेकिन वो किसी का अपमान नहीं करता, वो सम्मान करता है। आप ये कोई एक पढ़े लिखे व्यक्ति की, एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है, जिस भाषा में हंस हंस कर देश के प्रधान, अरे आप अपमान नरेंद्र मोदी जी का नहीं कर रहे, आप अपमान इस देश के प्रजातंत्र का कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी को चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज पूरी दिल्ली में सुधाकर जी गली गली में नारे हैं, गली गली में चोर है अरविंद केजरीवाल, चोर, गली गली में शोर है अरविंद केजरीवाल चोर है, इस तरह के नारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गली गली में इस तरह नारे लगाते हुए जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो आज बिल्कुल जो उसके कारनामे आज जगह जगह। ये विनोद बचेती थे जो लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके से विधानसभा में केजरीवाल व्यंगात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, ये संविधान के खिलाफ है, ये उस जनाधार के खिलाफ है जिसने चुनकर सत्ता पे, सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी को बिठाया है। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।